हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको एक डिफिकल्ट टॉपिक लेके आया जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडाइस। ये काफी डिफिकल्ट होता है, इसे कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, लेकिन आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया जिसमें आप 5 सेकंड से भी कम टाइम में आप आंसर निकाल लोगे। अगर पेन पेपर नहीं भी होगा ना, देख के आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये है, ऐसा एक ट्रिक लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला सम लेके आया हूं। देखिए ये वाला सम लेके आया हूं। ऐसे सम एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को उसे डिफिकल्ट फील होता है इसे सिंप्लीफाई करने पे, लेकिन आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूं मैं, बहुत ही इजी ट्रिक लेके आया हूं कि अब अगर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप छोड़ के बिल्कुल नहीं आओगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 साल में पूछा गया, देखिए 2010 और ये 1996 में पूछा गया था, मैंने यहां पर लिख दिया। कैसे सॉल्व करोगे देखिए, सबसे पहले आप फोकस करोगे यहां पर साइन जो दिया है, यहां पर प्लस साइन दिया है तो यहां पर प्लस, और देखिए यहाँ पर टोपी बना लिया, देखिए यहाँ पर रूट बना लिया है, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी और सिंपल ट्रिक है। आप क्या करोगे देखिए, ये 6 जो है, ये जो 6 जो है इसका ऐसा फैक्टर निकालोगे जिसका सिर्फ और सिर्फ प्लस करने पर ही 5 आ जाए, ऐसा निकालोगे आप। तो आपको दिमाग में आएगा कि 6 1 जा 6 1 जा 6 है, लेकिन 6 + 1 5 तो नहीं होता है ना, तो क्या करोगे 3 2 जा 6 ले लोगे, तो 3 2 जा 6। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 2 3 जा 6 तो होता है, लेकिन आपको बता दूं देखिए 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 दोनों सेम है, लेकिन आपको बड़ा नंबर ऊपर रखना है, छोटा नंबर नीचे रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहां पर इसको प्लस करने पर 5 आ जाएगा, हो गया आपका आंसर। देखिए 3 यहां लिखोगे और 2 यहां लिखोगे, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। लेकिन आपके लिए देखिए और एक ट्रिक भी मेरे पास है, अगर ये समझ में नहीं आया तो। और एक ट्रिक क्या है देखिए, आपको ध्यान देना, देखिए यहां पर प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन, देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे देखिए, प्लस देखिए यहां पर प्लस है तो आप क्या करोगे देखिए, ऑप्शन को क्या करोगे, जो ऑप्शन दिया है उसको आप स्क्वायर में डाल लीजिए। देखिए यहां पर स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा तो यहां पर 3 होगा, और स्क्वायर की वजह से देखिए यहां पर, देखिए स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, क्या होगा यहां पर 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए यहां पर 5 हो गया, जिसका मतलब ये है ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए और एक सम लेते हैं हम लोग ये सब कुछ सीखने के लिए। दोस्तों आपके सामने देखिए 3 सम लेके आए हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि कोई मिस्टेक ना हो, देखिए हर एक चीज आप सीख जाओ, इसीलिए आपके लिए देखिए मैं 3 सम लेके आया हूं। देखिए क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए यहां पर फोकस करोगे, यहां पर प्लस दिया है तो अब यहां पर आप रूट करोगे, ये देखिए प्लस और यहां पर रूट कर लिया, क्लियर हो गया, यहां पर आंसर आपका आ जाएगा। फिर क्या करोगे देखिए, यहां पर देखिए 18 दिया है तो 9 2 18 होता है, लेकिन 9 + 2 कितना होता है 11 होता है, 9 नहीं होता है, तो क्या करोगे आप कुछ और फैक्टर लोगे। देखिए यहां पर 6 3 जा लेता हूं, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, और 6 + 3 करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, हो गया आपका आंसर। देखिए यहां पर 6 और यहां पर 3, ये आपका आंसर हो गया √6 + √3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो देखिए यहां पर 15 दिया है, रूट में 15 दिया है तो आप फैक्टर निकालोगे, देखिए 15 तो 15 1 जा 15 तो होता है, लेकिन 15 + 1 कितना होता है 16 होता है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे 8 लाना है तो क्या करोगे देखिए 5 3 जा 15, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे और प्लस करने पर ही यहां पर देखिए 8 आना चाहिए, तो 5 + 3 8 हो गया, देखिए आपका आंसर हो गया। यहां रूट करोगे प्लस रूट करोगे, ये 5 यहां पर लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फटाफट कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए, मैं वेट करता थोड़ा देर, आप फटाफट आंसर लिखिए। चलिए अब देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं, देखिए आपको देखिए क्या करोगे, देखिए ये 24 दिया है तो सबसे पहले क्या करोगे रूट लिख दोगे, यहां पर आप रूट लिख दोगे, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए देखिए ये प्लस है तो यहां पर आप प्लस कर लोगे, अब 24 दिया है तो 8 3 = 24 होता है, 6 4 = 24 होता है, तो क्या करोगे देखिए आप 8 3 = 24 लोगे आप तो 8 + 3 देखिए यहां पर 10 चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करोगे आप लिखोगे 6 4 जा 24 और यहां पर देखिए प्लस करने पर देखिए 10 आ जाएगा, तो यहां पर आप 6 लिखोगे, यहां पर आप 4 लिखोगे, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। देखिए अब क्या हो सकता है, देखिए ये सब नंबर देख लिया आपने, लेकिन देखिए √4 जो है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या होगा देखिए √6 + √4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे सम को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, देखिए ये प्लस 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 सिखा दिया आपको मैं, अब मैं आपको सिखा
सिखाने वाला हूं, अगर माइनस आया तो क्या करोगे, चलिए शुरू करते हैं। आखिर देखिए और एक सम लेके आया हूं, देखिए यहां पर माइनस हो तो क्या करोगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, देखिए यहां पर माइनस दिया है तो आपका आंसर जो है माइनस में आएगा, तो यहां पर मैंने रूट कर लिया, यहां पर मैंने रूट कर लिया। हर एक चीज को ध्यान से सुनना, देखिए अगर नहीं सुनोगे अगर मिस्टेक हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखिए यहां पर देखिए ऐसा फैक्टर निकालूंगा जिसका माइनस करने पर नहीं होगा, प्लस करने पर ही होगा, भले यहां पर माइनस हो या फिर यहां पर प्लस हो, ऐसे फैक्टर निकालना है आपको जिसका प्लस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो यहां पर 15 है, देखिए तो 5 3 15 होगा और 5 + 3 कितना होगा आपका 8 होगा। तो ये बिल्कुल गलत फहमी मत पालिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर प्लस था तो हम प्लस करके चेक करेंगे, तो यहां पर माइनस दिया तो यहां पर माइनस कर लेंगे, वो बिल्कुल भी ना करिएगा। माइनस क्या होगा आपका आंसर आएगा, यहां पर माइनस बिल्कुल नहीं आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी दोनों को प्लस करके ये वाला नंबर आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, देखिए 5 + 3 8 हो गया, यहां पर 5 यहां पर 3 आपका आंसर आ गया, हो गया आपका आंसर, यही चीज सिखाना था। देखिए अब देखिए ऑप्शन से करोगे, देखिए तो यहां पर माइनस है तो आपको क्या सिखाया, देखिए आंसर माइनस में आएगा, तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन देखिए डी जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से करते हो तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है आपको बता देता हूँ। देखिए आपको मैंने प्लस में क्या सिखाया था, आपको देखिए ये देखिए रूट 5 का स्क्वायर और देखिए यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए रूट और यहाँ पर स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ पर रूट और यहाँ पर स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 करोगे आप, नहीं करोगे ना, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अगर आप ऑप्शन से करते हो। तो आपको ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पर देखिए माइनस हो या प्लस हो, आपको प्लस करके ही चेक करना है, 5 + 3 8 होना चाहिए, इसलिए मैं ऑप्शन से करने मना करता हूँ। इस चीज़ से किया कि ये बहुत ईजी होगा और हर एक चीज़ में यूज होगा। चलिए और एक सम लेके आता हूँ आपके लिए ये प्रैक्टिस कर। चलिए दोस्तों आपके सामने देखिए ये 3 क्वेश्चन लेके आया जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर माइनस आ गया तो क्या करोगे। देखिए आप ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा, आंसर जो है माइनस में आने वाला है। तो देखिए यहां पर मैं रूट लिखता हूं और देखिए यहां पर रूट लिखता हूं, बीच में मैं माइनस कर लेता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ध्यान देने जैसी चीज है, देखिए क्या करोगे, देखिए 60 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसका सिर्फ और सिर्फ प्लस करने पर ही, देखिए भले ही यहां पर माइनस है वो माइनस यहां पर आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 12 5 बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, 12 5 कितना होता है 60 होता है और 12 + 5 कितना होता है 17 होता है, तो आपका आंसर आ गया। देखिए यहां पर आप 12 लिखोगे, यहां पर आप 5 लिखोगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करोगे, देखिए आप यहां पर रूट लिखोगे, यहां पर माइनस करोगे, यहां पर रूट लिख दोगे, क्लियर हो गया। फिर क्या करोगे, देखिए यहां पर 8 है तो इसका ऐसा फैक्टर निकालो इसका सिर्फ और सिर्फ प्लस करने पर, तो क्या करोगे, देखिए 4 2 8 और प्लस करने पर देखिए 6 आना चाहिए, देखिए तो 4 + 2 6 हो गया और 4 2 8 हो गया, आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर 4 लिखूंगा और यहां पर 2 लिखूंगा, लेकिन देखिए यहां पर ये रूट 4 को और सिंपलीफाई आप कर सकते हो, तो क्या करोगे, देखिए 2 लिखोगे माइनस यहां पर √2, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आप क्या करोगे, यहां पर रूट करोगे माइनस और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर आप ऐसे फैक्टर निकालोगे 7 3 21 जिसका प्लस करने पर ये नंबर आ जाए, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर देखिए 3 आपका आंसर आ गया है। तो ऐसे सम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए कुछ नया आपको सिखाने वाला हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, देखिए जब ये ट्रिक कब काम आता है, जब आपका यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 2 हो, आपने प्लस में भी देखा होगा माइनस में भी देखा हो, यहाँ पर 2 होगा तभी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, अगर 2 नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, आइए सीखते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम लेके आए हैं, देखिए अब अगर देखिए यहाँ पर 2 नहीं होगा तो जो फॉर्मूला आपको सिखाया है वो तो यूज कर पाओगे नहीं आप, तो क्या करोगे, देखिए वो चीज सिखाना है। देखिए आप क्या करोगे, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इसको यहाँ पर रूट लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर 28 करता हूँ, यहाँ पर प्लस लिखा, ध्यान दीजिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर 10 है, क्या करोगे, देखिए इसको स्प्लिट करता हूँ 2 × 5, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है 2 लाना है, ठीक है, इसलिए इसको स्प्लिट किया 2 × 5 करके। अब देखिए यहां पर मैं √3 रखता हूं, ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए मुझे यहां पर 2 चाहिए, 5 मुझे नहीं चाहिए, यहां पर क्या नहीं चाहिए, मुझे 5 बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 5 कहां जाएगा, देखिए रूट के अंदर जाएगा। अब बताइए मुझे √25 मतलब क्या होता है,
फाइव होता है, लेकिन जब फाइव जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, 25 होगा। फिर से समझा दो, देखिए जब 25 रूट के अंदर था और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 5 आएगा, और 5 फिर अंदर जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 5 जब इसके अंदर जब एंटर होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा 28, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब 25 का आप जब 25 का जब आप रूट निकालोगे तभी तो 5 होगा बाहर, इसीलिए यहाँ पर देखिए 5 जब एंटर हुआ इसके अंदर तब क्या हो गया, 25 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करोगे, देखिए आपके लिए आसान हो गया, देखिए क्या आसान हो गया, देखिए ये देखिए 28 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 25, 3 75 हो गया, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, आप देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या करोगे, यहाँ पर देखिए रूट करोगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर रूट कर दोगे, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा फैक्टर निकालना है तो देखिए 25 का आंसर यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपको 25 क्या होता है, 75 होता है, इसको प्लस करने पर 28 हो जाएगा, तो 25 यहाँ लिखूंगा और यहाँ पर देखिए 3 लिखूंगा, तो आपका आंसर आ गया। और 25 का आप सिंपलीफाई करोगे तो 5 + √3 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। देखिए और एक क्वेश्चन लेके आपके लिए, देखिए देखिए क्या करोगे, देखिए यहां पर देखिए 7, उसके बाद देखिए यहां पर 4 है, तो आपको क्या चाहिए, 2 लाना है आपको, तो क्या करोगे, 2 2 जा करोगे, देखिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा, यहां पर 3 है, तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 बिल्कुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा वो। तो देखिए यहां पर 7 - 2 √3 / 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्लियर हो गया। देखिए एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर रूट और यहां पर रूट रखा, यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर माइनस साइन दे दिया। अब क्या करोगे, देखिए ये 12 है तो 6 2 = 12 करोगे तो आपका देखिए 7 नहीं आएगा, तो क्या करोगे, 4 3 = 12 और यहां पर आप प्लस करोगे तो आपका यहां पर 7 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 4 यहां पर लिखूंगा और 3 यहां पर लिखूंगा, तो 4 को सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा -√3 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर आपने यहाँ 10 लिखा तो 2 × 5 कर लिया, यहां पर आपने 4 लिखा तो 2 × 2 कर लिया, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो कि समझो 5 ही आ गया, तो इसको तो हम कर सकते नहीं हम लोग, तो ऐसे नंबर के लिए क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम लेके आए हैं, देखिए यहां पर नंबर है ही नहीं, देखिए तो क्या स्प्लिट करोगे, कहां से 2 लेके आओगे, देखिए तब क्या करोगे, देखिए आइए बताता हूं, देखिए आप क्या करोगे, देखिए यहां पर देखिए 5 लिखोगे माइनस यहां पर देखिए 21 लिखा, जो यहां पर लिखा था वही एसिड कॉपी कर दिया। फिर क्या करोगे, देखिए मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए बाहर 2 होगा, और फिर ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 की जगह क्या होगा, 10 होगा। तो मैं लिख लेता हूं, देखिए यहां पर देखिए 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट के बाहर लिखेंगे इसको। तो पहले देखिए 2 × 5 करता हूं, यहां पर 10 लिखता हूं माइनस 2 √21 लिखता हूं, तो ये 2 का काम तो हो गया। अब देखिए ये 2 बचा, ये 2 कहां होगा, देखिए ये रूट के बाहर जाएगा तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 1/√2 तो है ये, देखिए यहां पर ब्रैकेट में रखा और देखिए यहां पर 2 आ गया। फिर क्या करोगे, देखिए रूट रखोगे माइनस यहां पर रूट, क्योंकि यहां पर माइनस साइन दिया इसलिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको आप ऐसा फैक्टर निकालोगे जिसका सिर्फ और सिर्फ प्लस करने पर ये 10 आ जाए। देखिए 7 3 = 21, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, तो 7 + 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पर 7 लिखोगे और यहां पर आप 3 लिखोगे, जिससे आपका आंसर देखिए कहां ऑप्शन, देखिए यहां पर ये ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे सम को आप इजिली कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई अगर चीज आपको छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिए, और साथ में बेल आइकन दबा देना, और बेल आइकन जब दबाओगे जब तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑल क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा जो भी वीडियो जो भी हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे वो आप तक बिना रुकावट के पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।